सब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.2। सो आज हम सीखेंगे फोर डिजिट नंबर विदाउट कैरी हम कैसे ऐड करते हैं और विद कैरी हम कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम विदाउट कैरी कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये आज हम सीखेंगे। सो हमारे पास हमारा वंस होता है 3 + 4 = 7 एंड 24 + 24 = 48। ये हमारा वंस टेंस एंड थाउजेंड में 124 + 124 = 248। सो वंस टेंस और हंड्रेड तक का हमने सीखा, अब हम किसको सीखेंगे, थाउजेंड, वो हम कैसे सीखेंगे। सेम प्रोसीजर है हमारा, सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं, देन हम टेंस को ऐड करते हैं, देन हंड्रेड को, देन थाउजेंड, ठीक है। तो देखते हैं, हम ये टेबल बना लिया वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। इससे हमें क्या है क्लियर हो जाएगा कि हमें सबसे पहले वंस को हमें ऐड करना है, देन हमें थाउजेंड को, देन वंस को, टेंस को और देन थाउजेंड को, सबसे लास्ट हम थाउजेंड को ऐड करेंगे। नंबर ले लेते हैं 3546 और ऐड करना है हमें 2421। ये नंबर हमें ऐड करना है। सबसे पहले हमने वंस को ऐड किया 6 + 1 7, ठीक है। वंस को ऐड करेंगे, हमारे पास कोई कैरी नहीं है तो हम डायरेक्ट हम प्लस करते हैं, देन हमारा 4 + 2 8। देखो वंस को ऐड किया, अब हम टेंस को ऐड कर रहे हैं, हम लेफ्ट से बढ़ रहे हैं। हमेशा आपको वंस से स्टार्ट करना है, ऐड करना है। अब हमने टेंस प्लस किया, देन थाउजेंड, सॉरी हंड्रेड को 5 + 4 9। अब थाउजेंड की बात है, यहाँ तक हमने कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थाउजेंड पे भी हम सेम ऐड करेंगे 3 + 2 = 5, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हमें वंस को ऐड करना है, देन हमें थाउजेंड को ऐड करना है, हंड्रेड को, टेंस को ऐड करना है, देन हमें हंड्रेड को ऐड करना है, देन थाउजेंड को, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, सिर्फ हमें यही प्रोसीजर हमें ध्यान रखना है। सेम है, कोई कैरी नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस करेंगे दोनों डिजिट को और लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम इसे सीखते हैं जिसमें विद कैरी हम सीखते हैं, विद कैरी हमें कैसे ऐड करना होगा, ठीक है। विद कैरी के लिए हमने टेबल फॉर्मेट बनाया सेम, जैसे कि हमें वंस टेंस क्लियर हो जाए, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। मैंने एक कॉलम छोड़ा हुआ है कैरी ऐड करने के लिए, मैच में यहाँ पर कैरी लिख सकते हैं हम। सो 3684 2759, ये हमारे पास एक नंबर है। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, हमें कैरी कैसे ऐड करना है। कैरी ऐड करने के लिए हम 4 + 9 30, हमने सबसे पहले वंस, हमने अपने वंस को ऐड किया, इसको ऐड किया, हमने वंस को ऐड किया, सो हमारा 13 आया, 13 tens होगा, ये वंस होगा 13 ones, और 13 ones में क्या होगा, 110 + 3 ones, भाई एक हमारा 10 होगा और एक हमारा 3 हमारे ones होंगे 13 में, 10 + 3 होता है ना 13, सो 1 हमारा 10s हो गया और 3 हमारे ones हो गया। तो ये हम जो ones है ये हम अपने ones के कॉलम में ही लिखेंगे, और जो ये 10 है ये हमारा क्या होगा, कैरी, दैट इज अ कैरी। अब कैरी को हम कहाँ ऐड करेंगे, सॉरी मैंने बॉक्स नहीं छोड़ा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बॉक्स नहीं छोड़ा, बॉक्स नहीं छोड़ गया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। हमने कैरी को लिखा 10 के कॉलम में, हमने कैरी को लिखा, अब हम 10 को प्लस करते हैं टेंस में, अब हमारा जो ये 1 है, जो हमारा कैरी है,
टेंस का ये हमें प्लस करना होगा टेन वाले कॉलम में. सो 1 + 8 + 5 इसका टू होता है हमारा 14. 14 में देखिए 100 है, 100 प्लस 4 टेंस, ठीक है 100 है हमारा, 4 टेंस है. सो 4 टेंस को हम कहाँ लिखेंगे अपने टेंस के कॉलम में. ये जो 100 है हमारा, ये 100 ये हमारा क्या है, कैरी. क्या है ये हमारा, कैरी. सो कैरी को हम लिखेंगे 100 के कॉलम में. क्यों है, देखो 14 बना है 10 + 4 से. सो 10 टेंस मिल गया, 10 टेंस मिलके क्या होता है हमारा 100, और 4 टेंस हमारा 40. 10 × 10 = 100 होता है. सो आगे हम चलते हैं, अब हम किसको ऐड करेंगे, अब हम करेंगे 100 को. 100 को हम ऐड करेंगे 1 + 6 + 7 = 14, क्योंकि ये हमने कैरी को हमें प्लस करना होगा. 14 में फिर सेम 1000 प्लस 400. अब ये 400 हमारा 100 के कॉलम में जाएगा, और जो ये 1000 है ये हमारा होगा कैरी, कैरी होगा 1400. 1400 में हमारा 1000 होगा प्लस 400, क्योंकि 100 और 100 जब 10 हंड्रेड्स मिलते हैं तो वो हमारा क्या क्रिएट होता है, 1000. आपके पास 100 रुपीज के 10 नोट्स हैं, सो आप कैलकुलेशन करके देखिए वो टोटल कितना होगा, 1000, ठीक है. सो कैरी हमने लिखा यहाँ और अपना नंबर. अब ये हमें सब प्लस करना है. सो 1 + 3 + 2 = 6, ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, कैरी को हम कैसे प्लस करते हैं. सेम हमने टेबल बना लिया अपना, वंस टेंस 100 and 1000, ठीक है. नंबर लेते हैं 1658 को हमें प्लस करना है, ठीक है. किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से. सो 4 + 8 = क्या हो गया हमारा 14, ठीक है. 14 में अब हमारा क्या होगा, 1 tens + 1 tens + 4 ones, ठीक है. सो ये हो जाएगा हमारा 4, हम यहाँ लिखेंगे 12. ये 4 है ना हमारा 12. सो 2 हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा कैरी होगा, ठीक है, डन हो गया. अब सपोज दैट ये तो हम ऐड कर लेंगे, बट अगर यहाँ पे कोई नंबर हमारा 0 हो, तो 0 हम कैसे प्लस करेंगे. हम सपोज करते हैं कि ये हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा 0 है. सो वो हम कैसे प्लस करेंगे, सेम होता है. अगर हम किसी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो नंबर हमारा सेम होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आता है. 5 + 0 = 5, 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 1. सो यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 1 + 0 = 1 + 5 = 6, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे कैरी नहीं है, तो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, एज इट हमने लिखा. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 100 की ओर. 6 + 6 = 12, 6 + 6 = हो गया हमारा 12. 12 में सेम हो गया हमारा 1000 हो गया. ठीक है, 1000 + 200. सो 200 को हम 100 के ब्रैकेट
सेपरेशन एक बॉक्स में लिखेंगे और 1000 हमारा क्या होगा कैरी। सो कैरी को हम कहाँ लिखेंगे, 1000 के बॉक्स में। सो 1 + 5 = 6 + 1 = 7। ठीक है, क्लियर है सबको? क्योंकि अगर कहीं पे जीरो आता है तो जीरो से कोई चेंजिंग नहीं होता, सेम नंबर होता है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।